दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अगला मुकाबला थोड़े समय बाद है, वैसे अब थोड़ा समय बहुत नजदीक आ चुका है वो समय। अब वो मुकाबला किसके अगेंस्ट है? कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद। कहाँ मुकाबला है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मुकाबला है टीम केकेआर के घर के ऊपर ईडन गार्डन्स के ऊपर। तो उनके स्टेट्स वहाँ पर हर एक होम टीम के ऊपर खेले गए सभी टीम के स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि टीम केकेआर कुछ भी हल्के में ले ले। अब अगर बात करें टीम केकेआर की तो यार कुछ ऐसे प्लान्स ज़रूर वो बनाना चाहेगी जो एसआरएच के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे। और आई होप दोस्तों आपको ये प्लान शायद नहीं पता होंगे, आज आपका दिमाग भी घूमने वाला है जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी प्लान्स मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनना और समझना, और इसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है या फिर किस प्लान में चेंज कर सकते हैं या फिर आपकी क्या है रणनीति, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। खैर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फटाफट फॉलो कर लो, वहां फ्री टिकट्स गिव अवे आने वाला है जो कि होने वाला है केकेआर और चेन्नई का मुकाबला। एंड अगर अब बात करें तो यहां पर दोस्तों पहला प्लान होने वाला है ओपनिंग को लेकर। तो जब तक ओपनिंग अच्छा यहां पर नहीं करेगी, वो चाहे वर्सेस एसआरएच हो वर्सेस आरसीबी या कोई भी टीम हो, पहली प्लानिंग टीम केकेआर की या फिर हमारी तरफ से ओपनिंग ही रहने वाली है। अब यहां पर हम तो यही चाहेंगे कि यार एक ओवरसीज बाहर निकाल दो और जेसन रॉय और गुरबास की ओपनिंग करा कर तो देखो, मजा आ जाएगा। और अगर आपको एक अतिरिक्त ओवरसीज नहीं खिलाना है तो नारायण को ऊपर खिला के देखो, वाकई दोस्तों पैसा वसूल ओपनिंग हो जाएगी। अब जो सेकंड प्लानिंग होगी वो है यहां पर बैटिंग ऑर्डर। अब अगर आप अपने मेन प्लेयर्स को बहुत नीचे खिलाते हो तो ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि जब टीम केकेआर का बैटिंग ऑर्डर चलता है तो बहुत स्लो चलता है, फिर नीचे वाले खिलाड़ियों को आगे मौका नहीं मिलता है, और जब कोलैप्स होता है तो इतना जल्दी कोलैप्स हो जाता है कि वाकई किसी को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि फिर तो वो फ्लॉप शो हो जाता है। अब रिंकू सिंह एक मुकाबले में चल गए तो इसका यह मतलब नहीं कि संकट मोचन बनकर रिंकू सिंह हर मुकाबला जिता देंगे, बट वी होप कि यार रिंकू सिंह अच्छे ऊपर आए और भी प्लेयर्स जो है अपनी सही बैटिंग ऑर्डर के अंदर प्रमोशन मिले। और थर्ड स्ट्रेटजी होने वाली है आंद्रे रसल की। अब दोस्तों आंद्रे रसल से इस मुकाबले में आप बॉलिंग करा ही लो, सारे बॉलर्स तो आपके पिटी रहे हैं, आंद्रे रसल से आप बॉलिंग कराओ, नहीं करा रहे हो तो ये अल्टीमेटम दे दो आंद्रे रसल को कि अगर आप इसमें भी फ्लॉप हुए तो आप बाहर बैठोगे, क्योंकि यार आप है ना थोड़ा कमेंट करके बताओ कि आंद्रे रसल को आपने लास्ट कौन से आईपीएल मुकाबले में चलते हुए देखा था। दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे आंद्रे रसल को 10 मुकाबलों के अंदर तो शायद ही एक या दो मुकाबलों के अंदर आंद्रे रसल चलेंगे, और ऐसे के अंदर तो जेसन रॉय या डेविड वीजे काम कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ आपकी तीन प्लान्स टीम एसआरएच के अगेंस्ट क्या होनी चाहिए केकेआर के। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।